नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा का गठबंधन कोई असर न छोड़ सका, लेकिन इसका असर गठबंधन की राजनीति पर जरूर पड़ा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने और उसके प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला ने रविवार को ये ऐलान कर दिया है कि जेजेपी और बसपा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी। चौटाला ने बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है कि जेजेपी और बसपा अगला विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। आइए देखते हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर के सी बामू जी और राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष अनंतराम तवर जी यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अहम दिन उनके अंदर दोनों संगठन मजबूती से मिलकर आगे बढ़े, इसके ऊपर गंभीर चर्चाओं के बाद निर्णय लिया गया कि अगला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर इकट्ठे लड़ने का काम करें। और जो आज परिस्थितियाँ प्रदेश की है, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल और जिस तरीके से प्रदेश आज बांटा गया है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ा गया है, दोनों संगठन मजबूती के साथ हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के आगामी चुनावों में मिलकर चलने का काम करें और म्यूचुअली दोनों संगठनों की अनेकों बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अंदर जो पिछला इतिहास रहा है बहुजन समाज पार्टी के उस समय के अध्यक्ष स्वर्गीय माननीय काशीराम जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने मिलकर प्रदेश में परिवर्तन की लड़ाई को आगे ले जाने का काम किया, उसी तरीके से आज भी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का भी ये निर्णय है कि मिलकर प्रदेश के अंदर एक बदलाव के दोनों संगठन काम करें। मैं चाहूँगा सतीश मिश्रा जी से आपको आगे बताने का काम हो। जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई जी अजय चौटाला जी ने आपके सामने बात रखी, मिश्र चौटाला जी ने आपके सामने पूरी बात रखी है और ये बात जो रखी उन्होंने जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं इनकी जननायक पार्टी जी के पार्टी के तो श्री अजय चौटाला जी के आशीर्वाद के बाद ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखी है। और हम जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस गठबंधन के बारे में बहुत सोच समझ करके और उसके बाद इस निर्णय को लिया कि ये गठबंधन के तहत में ही हम लोग हरियाणा में आने वाले विधानसभा के चुनाव में मिलकर के चुनाव लड़ें और वहाँ पर अपनी चुनाव जो लड़ेंगे बदलाव के लिए, जैसा कि अभी आपके सामने दुष्यंत जी ने कहा कि बदलाव का चुनाव होगा, ये सही माने में बदलाव का चुनाव होगा, दोबारा इतिहास रचा जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं अभी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी है उसमें भी उतना ही त्रस्त थे और वहाँ की जनता एक नया गठबंधन देखना चाहती थी, एक नई सरकार चाहती है और पूरी हम लोगों की ये
विश्वास है कि अगली बार जो ये गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दुष्यंत चौटाला जी उसको वहां पर नेतृत्व करेंगे, अपनी पार्टी का जननायक जी का जननायक जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी, आप तो मालूम ही है कि पूरे प्रदेश में हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मालती जी के निर्देशानुसार उनके संरक्षक में हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और अब की बात जो चुनाव गठबंधन है उसमें आप लोग जरूर जानना चाहेंगे कि गठबंधन में क्या रहेगा, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे हम लोग, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जननायक जनता पार्टी कितनी सीटों में लड़ेगी, तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि सारी हम लोगों की जो बैठकें हुई उसके बाद निर्णय इस पर भी ले लिया गया है। और निर्णय ये होता है कि जननायक जनता पार्टी जो है वो 50 सीटों पर लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इस प्रकार से हम लोग गठबंधन के तहत मिलकर के चुनाव लड़ करके और हरियाणा में एक नई सरकार बनाने के लिए इस गठबंधन को आगे ले करके चल करके और सरकार बनाने का काम भी करेंगे। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 6-7 महीने में अगर ट्रेंड देखा जाए कि बीएसपी का खासतौर से हरियाणा में आप लोगों की शुरुआत हुई लेवल से, फिर आप लोग चले गए सैनी साहब के साथ, आप चले गए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ, ये हर चुनाव के बाद जो नतीजे होते हैं उसके बाद अलायंस में आपको नए पार्टनर तलाश करने की जरूरत पड़ जाती है और आरोप करते हैं कि भाई खुद सैनी साहब ने आरोप लगाए थे पैसे के लेन देन के साथ टिकटें बेची जाती है बीएसपी में, ये सैनी साहब का आरोप था। देखिए आपको अच्छी तरीके से मालूम है जब कोई बाहर जाता है या कोई जिससे गठबंधन में हमने उसको कुछ सीटें दी या हमने उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसके बाद उनकी जो पकड़ थी और जो पकड़ होनी चाहिए थी जब सामने नहीं आई तो उसको जब वो हट गए जब हमने उनसे हटा उनने उनसे हटा दिया, तो ये तो इस तरह के झूठे और गलत प्रचार और आरोप तो रखते ही रहते हैं, इस पर कोई तवज्जो हम लोग नहीं देते। अलायंस पार्टनर ये असेंबली का चुनाव, असेंबली के चुनाव में अलायंस का पार्टनर अभी तक हमारा कोई मान नहीं रहा है और असेंबली के चुनाव में हम लोग पहली बार अलायंस के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग हमेशा वहां पर हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा है लेकिन अब की बार हम अलायंस के साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी जो आपके सामने मौजूद भी हैं, जननायक जनता पार्टी के संरक्षक भी हैं, तो इनके साथ में इस अलायंस के बारे में पहले बहुत हम लोगों ने पूर्व मंत्रणा की और उसके बाद कई बैठकों के बाद में हम लोग इस निर्णय में पहुंचे हैं इस अलायंस के साथ में, जो वहां की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि आप भी अगर अपने दिल से पूछेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि आज हरियाणा में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और किस तरीके से वहां पर सरकार चल रही है किसी से। ये सिर्फ गठबंधन दो पार्टियों के बीच में है, आपको हमने हिंदी में बता दी और हमने बता भी दिया आपको कि 50 सीटों पर जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और 40 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी। सतीश जी आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश में, उस गठबंधन से क्या सीख ली है जो आप यहाँ कुछ नया करने जा रहे हैं? देखिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है और यहाँ का चुनाव अलग है, वो लोकसभा का चुनाव था ये विधानसभा का चुनाव, और मैंने अभी शायद पूरा जवाब दे दिया इसके संबंध में। आपसे ये जानना चाहेंगे जब इंडियन लोकदल से आपका अलायंस टूटा उस वक्त ये तर्क दिया गया था कि दोनों ये पार्टी टूट गई है, दो अलग अलग पार्टी भी सोच और ये अगर एक नहीं होता तो ये वजह है हमारी अलायंस, लेकिन अब उसी की पार्टी में से तो दूसरी पार्टी बनी है जज्बा के साथ गठबंधन करना क्या? देखिए आप जब की बात कर रहे हैं वो शायद अभी उस समय हम तो राजनीति में उस समय तक नहीं आए थे, हम तो 2002 से हैं, लेकिन हमें क्यों टूटा कैसे टूटा क्या हुआ उसके बारे में मैं किसी प्रकार से इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इतना जानता हूँ कि जो गठबंधन हुआ था बहुत मजबूती से हुआ था और इसका सही जवाब अगर आपको चाहिए हमें वो जवाब भी चाहिए तो इसमें हमारे छोटे भाई दुष्यंत जी आप करवाएंगे। आपके सवाल जो लोकसभा से पहले जब एक इंडियन नेशनल लोकतंत्र थी उस समय का आप कह रहे हैं कि जो परिस्थिति अक्टूबर 2018 से पहले थी परिस्थिति अलग थी और जिस समय लोकसभा का चुनाव बहन जी का जो डिसीजन था उसका स्वागत करता हूँ कि जब दो यूनिट्स अलग हुए और उसके अंदर लोकसभा के अंदर लोगों ने
विनायक जनता पार्टी को चुना। आप ये प्रदेश में जानते भी हैं कि आज के दिन भी जो 70-80% कैडर था चौधरी देवीलाल की विचारधारा का, उसने विनायक जनता पार्टी का समर्थन किया। और हम तो आपके माध्यम से आज भी निवेदन करते हैं, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का ये संदेश भी तमाम कार्यकर्ताओं के लिए है कि आप सब जो 20% वहाँ बचे हैं, आप आइए विनायक जनता पार्टी के साथ जुड़िए और चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे लेकर चलिए। और आज की परिस्थिति के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव की जरूरत है। विनायक जनता पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की आज ये मांग थी कि हम दोनों मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरे, और मुझे लगता है मिलकर दोनों संगठनों ने यह निर्णय लिया है। डॉक्टर देवीलाल जी जो मेरे यहाँ के प्रभारी हैं, उनकी तरफ जो DSP के अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडीज है वहाँ से, पर उनकी जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर सुश्री मायावती जी ने भी निर्णय लिया, और हमारी और से नेशनल एग्जीक्यूटिव ने और सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट से अर्थात प्रेजिडेंट से चर्चा करने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी निर्णय लिया कि हम दोनों को मिलकर प्रदेश के अंदर जो एक हुआ बना रखा है क्षेत्र पार का, उसको कहीं ना कहीं निरस्त करने के लिए, प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए, कमेरे को, मजदूर को, किसान को आज उठाने के लिए, पिछड़े को, तो आज हम मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव If I answer your question, all the feedbacks we've received from our booth level workers till members of our state and national executive, it was very positive that we both should get along and work together. And I think from today onwards, you will see the political scenario of the state changing drastically. It is not one small step, it is a big step both of us have taken forward. And this will change the political scenario of the state of Haryana. So far as this decision which has been taken, it's not a decision which is taken in the spur of the moment. This decision has been taken only after the entire unit of Bahujan Samaj Party, right at the booth level. They and both Dr. Meghraj, who is the Prabhari of Haryana, and Sri Prakash Bharati, who is the Adhyaksh of Bahujan Samaj Party of the state of Haryana, they are here. And then, there, on the basis of the feedback and on the basis of their request and demands, the decision was ultimately taken at the highest level, at the party level, at the level of the honorable president of Bahujan Samaj Party, Sushil Bhai. Sir, Mukhyamantri ka chehra kaun hoga, kiski chehre par aap? आपको आगामी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर सीटों का भी, कौन कौन सी सीट पे बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, कौन कौन सी सीट पे विनायक जनता पार्टी लड़ेगी, कैसे चुनावी प्रक्रिया होगी, उस सब के बारे में बता दिया जाए। जॉइंटली आज आपको एक चीज बता सकते हैं कि विनायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस वो सम्मान दिवस के तौर पर 25 सितंबर को बनाने का काम हर वर्ष किया जाता था, कोई INET के समय से नहीं, जनता दल के समय से। उस चीज को जॉइंटली दोनों संगठन मिलकर 25 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की धरती पर एक बड़ी ऐतिहासिक रैली के तौर पर मनाने का काम समय आने पर आप सब बता दें। इंतजार तो कभी दोबारा मिलना नहीं आपको। But let me not just go to Lok Sabha election. We have seen by-election, we have seen mayor's election also, where BJP did very well because of the triangular fight or contest that it has seen. So what makes you so sure that you are going to win this? Yeah, I totally agree with what results you put. Both of us were never part together for the Nigam election. The Nayak Janata Party was not even formed when the Nigam election was there. When we talk about the by-election, we scored 38,000 votes, we came second, and that time Bahujan Samaj Party was not with us, it was with Indian National Congress at that time. Whereas the Lok Sabha election has been concerned, it was a mere election between Rahul Gandhi's face and same Narendra Modi's face, whereas people have voted across the country
on the face of the Prime Minister, not on the face of the local member of parliament. And today also you see there are 303 MPs in the parliament of Bharatiya Janata Party. But you don't even know, the constituents also even don't know who their MP is or where does he stay. That was the scenario for the second time in our country after Indira Gandhi, where people voted for the Prime Minister face. But now coming for the Chief Minister election or the assembly election, people are not going to vote for the local MLA. People are going to vote on the name of the Chief Minister. And today I think BJP, after launching the Namo again, has clearly made it clear that it is in the face of Manohar Lal Khattar they are going to contest now. And now people have to decide, either they choose a person who has burnt the state four times, who has killed 80 people by police movement, who made statements that Mangal Pandey or Kashmiri girls or all these statements which have come up. I think it's mere arrogance of the Chief Minister that we have seen in the past 1 month. And people have decided they will vote for a change, they will vote for the Bharatiya Janata Party and Bahujan Samaj Party. Or if they change the government, जब हाथी चाबी लेकर चलेगा तो चंडीगढ़ का ताला भी खुल जाएगा। दूसरा जी ये जानना चाहेंगे कि दावा किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से कि कितनी सीटें जीतेंगे। आप अलायंस हो गया तो आप हाँ अलायंस हुआ है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आपको सीटों के दावा ये बता सकते हैं जो मिलकर प्रदेश के अंदर राज में लगता है कि ये गठबंधन कामयाब हो सकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर 84 के अंदर जब राजीव गांधी जी की 411 लोकसभा सीटें आई थी सभी सामाजिक लोगों को साथ किया था सामाजिक ताने बाने को जोड़ने का काम किया था और मैं ये मानता हूँ कि आज चाहे पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो चाहे हमारे एससी हो चाहे वो मुस्लिम हो हर वर्ग एक हो